खाइए हुजूर, और खाइए, यदि आपको और चाहिए तो और बोलिए, जीभ भर के खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनी है ना, खाइए खाइए। क्या लजीज दाल है। रुकिए, कहाँ ले जा रहे हैं आप इसे? ये खास महरम खान साहब का थाल है। खास थाल तो है, तो इसमें आज की खास दाल नहीं। बैरम खान साहब का खाना अलग से बनता है। अरे ले लो करीम, बहुत लजीज दाल है और हुजूर को भी अच्छी लगेगी। अरे डालो डालो भाई डालो। हाँ हाँ ले जाइए दाल। मंगल एक कटोरा लाइए शीघ्र। हम कह रहे हैं आपके हुजूर को बहुत स्वादिष्ट लगेगी ये दाल, देख लेना। ले जाइए ले जाइए जाइए जाइए। देखिए धीर भाई जी, हम यहाँ अतिथि हैं इनके, हमारी अपनी कई चिंताएं हो सकती हैं, किंतु गोदभराई समारोह में हम भाग ना लें ये ठीक नहीं होगा, विशेषकर तब जब राव जी ने समारोह का आयोजन हमारे कहने से किया है। वही तो कह रहे हैं हम आपसे जीजा कि यदि समारोह आपके कहने से किया जा रहा है तो हमारे लिए भाग लेना आवश्यक क्यों है। हम इस समारोह में भाग तभी लेंगे जब हमें राणा जी की कुशलता के समाचार मिलेंगे। धीर भाई जी, तो ये आपका अंतिम निर्णय कि आप हमारी गोद भराई समारोह में सम्मिलित नहीं होंगी? ऐसा नहीं है हंसा भाई जी, वो क्या है कि हम थक चुके हैं, वरना हमारा भी बहुत मन था। आप इस बात को अपने व्यक्तिगत मान अपमान का प्रश्न मत बनाइए। धीर भाई जी, यदि आप त्योहार के उत्सव में सम्मिलित होंगी तो देख लेना आप अपनी सारी चिंताएं भूल जाएंगी और थकान भी। और हाँ, जैसे ही आपको राणा जी की कुशलता का समाचार मिलेगा आपको हमारी गोद भराई में नृत्य करना पड़ेगा। ठीक है, पर राणा जी की कुशलता के समाचार मिलने के बाद ही हम नृत्य करेंगे। हाँ हाँ, मान ली आपकी बात, ठीक है। माने दौड़पाल कहाँ है? हुकुम अभी तो यही था। उसे हमारे सामने लाया जाए, जाओ। खंजर किसका है? और यहां इस पे तो बूंदी का राज चिन्ह अंकित है। इसका अर्थ रोको उसे। राणा जी आप ठीक तो हैं? राणा जी आप हट जाइए यहाँ से। राणा जी आपके आदेश पर अकस्मात हमारे सभी सैनिक आपके द्वारपाल को ढूंढने गए। राणा जी हट जाइए। किंतु राणा जी हुआ क्या बताइए तो। हमारे लिए बहुत ही लज्जा की बात है राणा जी कि हम पहचान नहीं पाए कि जो द्वारपाल हमारे निजी खेमे के लिए नियुक्त था वो राव सुल्तान था। बच गए हम, नहीं पकड़ पाएंगे अब हम हमें। हम तो चले चले हम अब आपकी सुगंध वाली रानी के पास, कुछ नहीं कर सकेंगे अब आप हमारा।
खंजर, हमारा खंजर खेमे में रह गया। खंजर लाने जाना पड़ेगा। वहां पे काले बालों वाला शेर होगा। नहीं, हमारे ही खंजर से हमें ही भाई, हमने अपने हाथों से बनाया। ये बहुत ही स्वादिष्ट दाल है, आपको तो लेनी चाहिए। लीजिए लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट दाल है, लीजिए लीजिए। बस अब अंतिम काले खान और उसकी टुकड़ी के सैनिक बचे हैं खाने के लिए, और आप लोग ध्यान से उनके भोजन में गुटी मिलाना, पकड़े मत जाना। हम तुरंत जंगल जाकर सभी लोगों को सचेत कर देते हैं। ठीक ठीक, हमने कहा था ना रथा, कि हम आपके परिवार का कोई अहित नहीं होने देंगे। चलिए सभी लोग, और चलकर सुरक्षित स्थान पर छिप जाइए। चलिए चलो हंसा, आपकी गोद भराई विधि विधान से होगी। ईश्वर आपको स्वस्थ और सौभाग्यशाली संतान दे, जो अपना भी नाम करे और आपका भी नाम करे, कुल को उतारे और भरपूर वैभव लाए। बहुत बहुत धन्यवाद महारानी जी। अम्बागानी महारानी सा, कंधे सुहाग बूंदी जाके वापस आ गए हैं। शीघ्र बुलाओ से। जी महारानी। अम्मागणी रानी से। आप राणा जी के कोई समाचार लाए हैं? वे सकुशल तो है ना? जी राणा जी बिल्कुल कुशल और स्वस्थ है। एकलिंग जी आपका लाख लाख आभार, आप राणा जी का उत्तर लाए हैं हमारे लिए। राणा जी के सकुशल होने का समाचार, अब जो आपने वचन दिया था ना, वो आपको निभाना पड़ेगा। आपने ही कहा था ना, यदि राणा जी का सकुशल होने का समाचार आएगा तो अब हंसा भाई जी की गोद भराई पे नृत्य करेंगे। अब आपको नृत्य करना पड़ेगा, प्रेम पत्र बाद में पढ़ लीजिएगा। गांव वालों को तो हम दिल्ली ले जाएंगे, तुम बस बहुत ही लजीज खाना बनाते हैं। हुजूर दाल नौच फरमाइए हुजूर, जिसने भी खाया हुजूर उंगलियां चटता रह गया हुजूर। अच्छा, क्या हुआ हुजूर? के बीच रुक जाओ, रुक जाओ। क्या हुआ हुजूर? तुम लोगों ने खाना खाया तो नहीं? जी नहीं। मत खाना, इस दाल में धतूरे के बीज मिले हुए हैं, इसे खाते ही तुम सब बेहोशी की नींद में खो जाओगे। या अल्लाह हुजूर, हमारी आधा से ज्यादा फौज ने खाना खा लिया है। क्या हुजूर? हुजूर गजब हो गया, हमारे आधे से ज्यादा सैनिक बेहोश हो गए। खाने का जिम्मेदार? हुजूर खाने के महकमे में तो सारे हमारे अपने ही लोग हैं, सिवाय उस। सिवाय किसके? कौन था वो नया शख्स? बोलो। हुजूर नत्था का भाई लत्था, और आज सुबह ही उसे मेरे काम पे रखा। नत्था का भाई लत्था, जाओ पकड़ के लाओ सबको, पेश करो हमारे सामने। जाओ हुजूर, तुम भी जाओ खाने खाने।
ये राणा जी का पत्र नहीं है, ये पत्र हमारा है जीजा। राणा जी ने हमें लिखा है, व्यक्तिगत है, सार्वजनिक नहीं। ये पत्र राणा जी का नहीं है। मेवाड़ के वीर सिपाहियों, हम जानते हैं कि आप सभी रावत जी के नेतृत्व में आज दूसरे पहर बूंदी के राजमहलों पर आक्रमण करने जा रहे हैं, परंतु जिस तरह उस कायर राव सुल्तान ने हमारे खेमे की सुरक्षा व्यवस्था पर सेंध लगाई, उसके इस कायरतापूर्ण दुस्साहस के बाद एक पल भी रुकना ठीक नहीं होगा। इसलिए हम बूंदी पर आक्रमण करेंगे इसी समय। मेवाड़नाथ उदय सिंह जी की जय। मेवाड़नाथ उदय सिंह जी की जय। मेवाड़नाथ उदय सिंह जी की जय। कुंवर प्रताप, आप इस मार्ग से शीघ्र ही जंगल की ओर निकल जाइए। ए सुनो, ए यहाँ किसी भील को देखा तुमने? नहीं हुजूर, यहाँ पे कोई भील नहीं देखा। हमें आपका पत्र मिला, हमें ऐसा लगा मानो रेगिस्तान की तपती धूप में प्रेम की ठंडी बाहर चल पड़ी हो। आपसे मिलने की आस ही तो हमें युद्ध भूमि में डटे रहने की शक्ति देती है। हम तो इसी समय आपके पास दौड़ कर आना चाहते हैं। तो इस सुल्तान सिंह ने हमारा जीना मुहाल कर दिया। हमारे अधिकतर सैनिक मारे जा चुके हैं, अब हमें अकेले ही उसे लुहा लेना होगा। तो यदि राव ममरक जी अपनी सेना सहित हमारी सहायता करने के लिए आ जाते तो आसानी हो जाती, अन्यथा हमें अब हमारी पराजय निश्चित दिखती है। आप तो इतनी सी बात भी समझ नहीं पा रही है धीर भाई जी, कि ये है ही नहीं राणा जी की लिखावट। हम तो आरंभ की चार पंक्तियां पढ़कर ही समझ गए थे। राणा जी सदा अपना पत्र आरंभ एकलिंग जी के नाम से करते हैं, और इसमें तो ना उन्होंने हमारे बारे में और ना ही सज्जा बिना के बारे में जानना चाहा है। आप समझ नहीं पा रही है, ये पत्र जाली है, झूठा है। नहीं, झूठा ये पत्र नहीं, झूठा राणा जी के लिए आपका प्रेम है। पहले हमारे दुस्वप्न को भ्रम बताया, उसके बाद जब राणा जी की आत्मा का संबंध हमारी आत्मा के साथ सिद्ध हो गया तो आप इस पत्र को जाली बता रही हैं। राणा जी ने हमें स्नेह भरा पत्र लिखा, उसमें अपनी कठिनाइयां लिखी, तो आपसे सहा नहीं जा रहा है ना? आपको इस पत्र से डाह है ना? तो ठीक है, हम कह देंगे राणा जी से कि आज के बाद हमें ऐसा स्नेह भरा पत्र ना लिखे। पत्तियों से धतूरे का सर कट सकता है, और अन तमाम बेहोश सिपाहियों को एक एक पत्ती चबाने के लिए दी जाए। हुजूर, हमने पूरे गांव में देख लिया, लेकिन वो नत्था और उसके भाई कहीं नहीं मिले। उस नत्था की इतनी जुर्रत, यकीन नहीं हो रहा कि वो इतना हौसला दिखा सकता है। काले खान, नत्था सिर्फ एक प्यादा भी हो सकता है, हो सकता है गुनाहगार कोई और हो। कौन हो सकता है? नत्था से हम इस बार कब कहां और कैसे मिले थे? प्रताप, सुभान अल्लाह, कितना ज़हीन दुश्मन है हमारा, हमारे ही खेमे में हमारी ही फौज के साथ मिलकर हमें ही खत्म करने की साजिश कर रहा था। वाह वाह, उसने हमारी तमाम तैयारियां देख ली हैं, अब भागा है वो फीलों के पास उन्हें आगाह करने के लिए। हम इसी वक्त जंगल पे हमला करेंगे और अन फौज को हमले के लिए तैयार किया जाए अभी, और इसी वक्त हमला होगा। जाओ जी हुजूर।
महारानी जी, महारानी जी, हमें सूचना मिली है, उदय सिंह जी ने एक पत्र भेजा है और पत्र में लिखा है कि हमें इसी समय सेना को लेकर उनकी सहायता के लिए वहां पहुंचना होगा। हाँ राव जी, इस पत्र में ऐसा ही लिखा है। आप राणा जी की सहायता करने के लिए अपनी सेना सहित प्रस्थान करने की कृपा करें। धीर भाई जी, ये राणा जी की शैली नहीं है, हमें तो इसमें किसी षड्यंत्र का आभास हो रहा है। यहाँ राणा जी का जीवन संकट में है और आपको शैली की पड़ी है। आप जानती हैं कि आप क्या बोल रही हैं? आप अपने असुरक्षा के भाव में इतनी कुंठित हो चुकी हैं जीजा कि आप अपने सुहाग के साथ खेल रही हैं। शांत हो जाइए धीर भाई जी। मरमत जी, ये भोली है, भावुक है, राजनीतिक चालों से पूर्णतः अनभिज्ञ है ये, किंतु आप तो समझते हैं। हम आपसे विनती करते हैं, आप समाचार की सत्यता परखे बिना कुछ भी मत कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा राव जी, राणा जी को आपकी आवश्यकता है, हम इतने भी मूर्ख नहीं है। जीजा, यदि आप जो कह रही हैं वो सही है तो आपके चरण हमारा शीश, पर यदि हम जो कह रहे हैं वो सही है तो आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा। महारानी जी, हो सकता है आप सत्य कह रही हैं। आप मुझे एक बात बताएं, पत्र में मेवाड़ की राजमुद्रिका अंकित है? हाँ है। तब तो इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। हमें आज्ञा दे, हमें इसी समय सेना को लेकर राणा जी की सहायता के लिए जाना होगा। हे भगवान, ये मुगल सेना हमारे पूरे जंगल को जलाने की योजना बना रहे हैं। राणा खेता जी, इससे पहले कि मुगल सैनिकों की चेतना लौटे हमें जंगल खाली करना होगा। हमारे पास समय बहुत कम है राणा खेता जी। उचित है, हम जंगल से निकलने की योजना बनाएंगे। सबसे पूर्व महिलाओं और बच्चों को इस वन से बाहर निकाला जाएगा। नहीं आचार्य, हम ये जंगल छोड़कर नहीं जाएंगे क्योंकि ये जंगल हमारा सब कुछ है, हमारा घर है। यदि ये जंगल जल गया तो हमारा सब कुछ जल जाएगा। जंगल नहीं तो हम भी नहीं। यदि मरना ही है तो इस जंगल में जलकर मरेंगे पर ये जंगल छोड़कर नहीं जाएंगे, हम। परंतु राणा जी, नहीं कुंवर प्रताप, हम जंगल छोड़कर नहीं जाएंगे। यदि हमने जंगल छोड़ दिया तो हमारे वन देवताओं का हमें श्राप मिलेगा। हाँ सरदार ठीक कह रहे, यदि हमने ये जंगल छोड़ा तो वन देवों का श्राप हमें नहीं छोड़ेगा। नहीं, हम ये जंगल नहीं छोड़ेंगे। चूहे छोड़ो। लो प्रताप, आज हम इस चूहे बिल्ली के खेल को खत्म कर देते हैं। अलविदा। ठीक है, तो फिर बचने के लिए हम कोई दूसरा विकल्प सोचते हैं। आग लगी, आग लगी।
मेरे कबीले वासियों, जिस दिन हम जन्म लेते हैं उसी दिन से हम मृत्यु की तरफ बढ़ना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, परंतु हमें मृत्यु कैसी चाहिए इसका निर्णय हम कर सकते हैं। बैरम खान की लगाई आग हमारे जंगल की तरफ बढ़ रही है, हमारी तरफ बढ़ रही है, इसलिए हमारे पास केवल दो ही मार्ग हैं। या तो हम उस बैरम खान के सामने सर झुका दें, या गर्व से अपने इन जंगलों में जलकर मर जाएं। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम बैरम खान के सामने सर नहीं झुकाएंगे, हम अपने जंगलों में गर्व के साथ जलकर मरेंगे। गुरु, ये सारे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों सारे कबीले का अग्नि समर्पण वाला बलिदान कर रहे हैं ये लोग, जबकि गुरुवर ये सारे लोग अपना जीवन सरलता से बचा सकते हैं। गुरु प्रताप, आपको उनकी आत्म बलिदान पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, विशेषकर तब जब स्वयं आपकी वंशावली सर झुकाने से श्रेष्ठ सर कटाने को मानती आई है। परंतु गुरुवर, आग बढ़ती जा रही है। गुरुवर, हम सचमुच इन्हें बचाना चाहते हैं। गुरुवर प्रताप, जब ये चूहा अंधेरे से निकलने का मार्ग ढूंढ सकता है, तो क्या हम इस परिस्थिति से निकलने का मार्ग नहीं खोज सकते? गुरुवर, हम जान गए हमें क्या करना है। हमें विश्वास था कि आप अवश्य ही कोई मार्ग ढूंढ निकालेंगे। समय बहुत कम है, जाइए उनका मार्गदर्शन कीजिए। क्या क्या करूं? रुकिए सभी लोग, आप सभी लोगों को जंगल में जलकर मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब जिएंगे, किंतु इसमें हमें आप लोगों की सहायता चाहिए। हमने इसके लिए एक युक्ति सोच ली है राणा खेता जी। मेरी आंखों के सामने मेरा जंगल चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। गुरु प्रताप की बातों पर भरोसा कर कर मैं चुपचाप बैठकर अपना चलता हुआ घर देख रहा हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, करना ही होगा। ये क्या कर रहे हो? देखो देखो, तुम दोनों मुझे जाने दो, वरना मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा। इतने बरसों से बावजूद के साथ रहकर मैं उन्हें जितना जानता हूँ, एक बात तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ, यदि बावजूद कोई वचन लेते हैं उसे अवश्य ही निभाते हैं। इसमें हमें उतना ही करना है जितना उन्होंने करने के लिए कहा, समझ गए ना? याद रखना ये बात। पूरे बल से रस्सी को कसिए। ध्यान रहे कि नालियां चौड़ी कम किंतु अधिक गहरी रहे, क्योंकि हम जिसमें पानी डालें तो पानी तीव्र गति से दौड़ना चाहिए। कुंवर प्रताप, हमने आपके कहे अनुसार नालियां तो खोद दी, पर ये नालियां असंख्य चूहों के बिलों से जाकर मिल रही है, पर आपने ये नहीं बताया कि आपकी योजना क्या है। अच्छा देखिए, साधारण परिस्थिति में हम सब जानते हैं कि चूहे धरती पर चलने के बजाय अपने खोदे हुए बिलों में दौड़ना अधिक पसंद करते हैं। अब आप सब अपने जंगल का चप्पा चप्पा जानते हैं,
और आप लोगों ने चूहों के बिलों तक जाने वाली सारी नालियां भी खोद दी। अब प्रश्न ये है कि हम इन नालियों का क्या करते हैं और अपनी ओर बढ़ती हुई आग को कैसे रोकते हैं। हम इन नालियों में इस प्रकार पानी डालते हैं। अब चूंकि सारी नालियां चूहों के बिलों की ओर जा रही है, तो जैसे जैसे ही हम इन नालियों में पानी भरते जाएंगे, सारे चूहों के बिल पानी से भर जाएंगे और पूछ में बारूद बांधे चूहे जैसे ही अपने बिल में प्रवेश करेंगे, वे सामने से तेज बहाव से आता पानी देख घबरा जाएंगे और घबरा के वे जिधर से आए हैं उधर ही वापस चले जाएंगे। और जैसे ही चूहे पलट कर भागने लगेंगे, तेज बहाव से आता पानी उस आग को भी बुझा देगा जो चूहे अपने साथ लाए। तो यूं हम चूहों को वापस वहीं भेज देंगे जहां से वे आ रहे हैं और उनके साथ उनकी पूंछ में लगा वो बारूद उसी दिशा में वापस चला जाएगा जहां से वे आ रहे हैं। प्रताप, अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझता था ना? देख, हमने मामूली चूहों की मदद से तेरा शिकार कर लिया। हुजूर, हमारे चूहे लौट के वापस आ रहे हैं। हुजूर, वो देखिए, जंगल में आग का बढ़ना रुक चुका है। तो ये क्या? हुजूर, चूहे पलट के इसी तरफ आ रहे हैं। भालो, एक भी चूहा हमारे बारूद के जखीरों तक नहीं पहुंचना चाहिए। सिपाहियों, भाइयों, पकड़ो चूहों को, भागो, भागो। इस चूहे को संभालो, ये बारूद की तरफ बढ़ रहा है, संभालो इसे, संभालो, संभालो इसे। ये तो हो गया, परंतु हम उस आग का क्या करेंगे जो जंगल में लग चुकी है? आप बिल्कुल चिंता ना करें कुमार प्रताप, हम वनवासियों के पास एक औषधि चूर्ण होता है जिसके छिड़काव करने से आग रुक जाती है। मैंने कबीले के कुछ अनुभवी भीलों को भेज दिया इस कार्य के लिए, तो छिड़काव करेंगे और आग तुरंत रुक जाएगी। जंगल में आग को फैलने से रोकना एक बड़ी चुनौती थी कुमार प्रताप, आपकी अद्वितीय युक्ति ने ये कार्य भी करके दिखा दिया। सरदार, सरदार, तू चूहे वापस गांव की ओर जा रहे हैं। अब लगता है वे पानी के पहुंचने से पहले पलट के भाग रहे हैं। आप उन चूहों की चिंता मत कीजिए, ये घर के भेदी हैं, ये पुनः बैरम खान की लंका में जाके ही अग्नि लगाएंगे। हमारे सिपाही चूहों तक को नहीं संभाल सकते, हमारे बारूद खाने तो महसूस है। जी हुजूर, और अगर यहाँ पे कोई नुकसान होता भी है तो उसको दुरुस्त करवाने के लिए हमने गाँव से कुछ मजदूरों को बुलाया है। ये देखो नत्था को। क्या चाहते हो तुम लोग? मैं अपने परिवार के कुशल मंगल के लिए भगवान से प्रार्थना भी नहीं कर सकता हूँ। अरे वहाँ देखो, भगवान तुम्हारी याचना का फल वहाँ दे रहा है। आओ चलो दिखाता हूँ। सच? देखा देखा नत्था, जंगल बच गया है, आग बुझ गई है, बस थोड़ा सा काला धुआं रह गया है। सच कह रहे थे, वो बचा लेंगे हमारे परिवार को, मेरे जंगल को, मेरे भील, मेरे भाई बंधु को। नत्था, अब तुम्हें हम पर विश्वास ना करने के लिए
क्षमा तो मांगनी चाहिए। वैसे नहीं मांगोगे तो भी चलेगा, अगर मांग लो तो ठीक रहेगा। अरे नट्टा, ये नट्टा कहाँ चला गया अचानक? पता नहीं प्रताप ने ये सब कैसे किया, सारे इम्कान दुरुस्त थे, सोची समझी चाल चली थी, फिर कैसे? अरे वो रहा नट्टा, ये नट्टा पागल हो गया क्या? अरे आ जाओ चुपचाप। बहराम खान बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था ना, आकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख ले, तेरी 40,000 सैनिकों की सेना भी कुंवर प्रताप का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। फौरन इस कमजर्फ को हमारे सामने पेश किया जा। रावत जी, कुंवर प्रताप और भीलों के बीच क्या प्रगति हुई है इसकी अब तक हम तक कोई सोचा नहीं पहुंची। क्या भीलों ने बैरम खान को जंगल से निकलने का रास्ता दिया है या नहीं? जी नहीं राणा जी, बैरम खान और उसकी सेना ने अब तक भीलों का जंगल पार नहीं किया, क्योंकि यदि ऐसा हुआ होता तो हमारे विशेष गुप्तचर हम तक ये समाचार अवश्य पहुंचा चुके। एक बार हम राव सुल्तान से निपट लें, उसके बाद कुंवर प्रताप की सहायता के लिए भी हम पहुंच जाएंगे। राव जी, सैनिकों एक बात ध्यान रहे, राव सुल्तान पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। राव सुल्तान हमें जीवित ही चाहिए। हमें तुरंत ही बिजोलिया की ओर हमारी सेना के साथ कूच कर। यूसुफ खान जी, आपको क्या करना है हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। आपको यहाँ रह के बूंदी की रक्षा कर, क्या पता कहीं वो उदय सिंह जी यहाँ पे ना आ जाए बूंदी पे आक्रमण करने के हेतु। समझ गए ना आप? तो आप यहाँ रहेंगे और आप हमारे साथ चलेंगे। चलिए। मगर हुजूरे आला, बैरम खान साहब को इस मंसूबे के बारे में तो इल्म नहीं है, उनके हुक्म के बिना हम ये मुगल छावनी कैसे छोड़ेंगे? यूसुफ खान जी, आप मूर्ख हैं क्या? मूर्ख दिखते तो नहीं है, समझदार दिखते हैं। आप तो समझिए, वहां पे बिजोलिया में मेवाड़ की मेवाड़ का राजकोष। हुकुम। उदय सिंह बड़ी ही तीव्र गति से अपनी पूरी सेना के साथ हमारे मुख्य द्वार की तरफ चले आ रहे हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं, घबराने वाली, हमने तो कहा ही था, हमने कहा ही था कि उदय सिंह जी यहाँ आएंगे आक्रमण करने के लिए और आए। यूसुफ खान जी, आप संभाल लीजिएगा, बस एक बार मेवाड़ की रानी है और मेवाड़ का राजकोष हमारे हाथ लग जाए, तत्पश्चात तो उदय सिंह जी को हम यूं हमारे इशारों पे नचाएंगे और यूं हम उन्हें पराजय भी कर लेंगे। समझे? समझे जी बाबा। मेरे प्यारे नमक हराम, एहसान फरामोश दोस्त, बोल बोल क्या करूं मैं तेरे। बैराम खान, अब चाहे तुम जो कुछ भी कर लो, इस धक्का को कोई अंतर नहीं पड़ता। अब तो पड़ता है। बोल प्रताप कहाँ है? बोल। बैराम खान, अभी अभी कुछ समय पहले पहुंचे तो मैं न केवल प्रताप का बल्कि उसके पूरे परिवार का होता पता देता। हो सकता था पूरे वंश को समाप्त करने के लिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं करता, क्योंकि जिस तरह से उसने प्राणों की प्रवाह किए बिना धूप जैसे विश्वास घाती को वचन देकर वचन निभा कर दिखाया है, उसने अपनी मातृभूमि और हमारे जंगल को बचाया है। इसके बाद बैराम खान, तुम चाहे मुझे जो कुछ कर दो, मेरे भूसे प्रताप के लिए कुछ नहीं निकाल पाओगे, कुछ नहीं। यदि मेरे जैसे लोग मर भी जाएं, तो इस संसार को कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता। पर हाँ, यदि कुंवर प्रताप को जीवित रखने के लिए हम जैसे लोग मरते हैं,
बहुत बड़ा अंतर पड़ता है, बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। मेरी सलाह मान लो, लौट जाओ दिल्ली। जाकर कह दो अपनी बादशाह को कि भले वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर ले, लेकिन जिस धरती पर कुंवर प्रताप जैसा इंसान जीवित है उसको कभी नहीं मिल सकता। वो व्यवहार पर कभी अपना अधिकार नहीं कर पाएगा। कुंवर प्रताप, आपने ना हमारे कबीले को बचाया है अपितु पूरे जंगल को नष्ट होने से बचा लिया। मैं सारे कबीले की तरफ से आपका भार व्यक्त करता हूँ। राणा खेता जी, हमने जो कुछ भी किया वो सब हमारे गुरुवर के आशीर्वाद का फल था। कीर्तिमान भव, विजय भव। ये हमारी वन देवी का रूप है, इसे हमने आपके लिए एक ही पत्थर से बनाया है और ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली हो। कुंवर प्रताप, इसे हमारी कुल देवी का आशीर्वाद समझ कर रख लीजिए, इसे हमेशा अपने पास रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु जब हम वापस यहाँ आएंगे तब इन्हें अवश्य अपने साथ मेवाड़ ले जाएंगे। वापस आएंगे तो अभी आप कहाँ जा रहे कुंवर प्रताप? कहाँ जा रहे हैं आप? ये सत्य है कि बैरम खान को आगे बढ़ने से रोकने में हम सक्षम हुए, किंतु ये भी सत्य है कि संकट अभी समाप्त नहीं हुआ। हम जानते हैं गुरु, ये तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं। हमें तुरंत वापस वहां जाकर बैरम खान की योजनाओं को जानने के लिए रथा और अपने मित्रों के साथ सम्मिलित होना पड़ेगा। न जाने क्यों उन लोगों के प्रति हमारे मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। तीन तक गिनेंगे, सिर्फ इतना ही वक्त है तेरे पास। अगर तूने बता दिया तो ठीक है, नहीं तो एक, एक। प्रताप, प्रताप कहाँ है? अगर तुम्हें कुंवर प्रताप के बारे में जानना है तो नत्था को मार के तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। सुभान अल्लाह, कमाल हो गया ये तो। लेकिन हमारी एक बात सुन लो तुम सब कान खोल के, अब हमें तुम लोगों से ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि प्रताप कहाँ है, क्योंकि जहां तक हम प्रताप को जानते हैं वो खुद ब खुद तुम लोगों को बचाने यहाँ आ जाएगा। तुम लोग खुद तो मरोगे और वो प्रताप भी अपने आप तुम्हारे जाल में फंसता है। बैरम खान, हमारे लिए हर जीवन मात्र एक चाल हो सकती है, किंतु हमारे लिए नहीं। हम अपने आंखों के सामने अपने मित्र को मरते हुए नहीं देख सकते।
दोनों मरने से पहले सच सच बता दो, क्या कुंवर प्रताप के गले में विष था या नहीं? नहीं लगता, उस हार में कोई विष नहीं था। प्रताप के सदा तुम पर विश्वास क्यों लगता? मैं स्वयं अपने ऊपर विश्वास करता, उससे पहले ही कुंवर प्रताप ने मुझ पर विश्वास किया। प्रताप, हम जानते हैं तुम यहीं आस पास कहीं छुपे हो, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे दोस्तों के साथ सारा दिन खेल सकते हैं, मगर ये बेचारे जिंदा नहीं रहेंगे सारा दिन, थोड़ी देर में मौत के घाट उतर जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ये दोस्त जिंदा रहे तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हमारा वादा है कि जैसे ही तुम अपनी जान हमारी हथेली पे रखोगे, हम तुम्हारे दोस्तों की जान बख्श देंगे। ये बैरम खान का वादा है। किसका वादा है? किसका वादा है? मुगलिया फौज का वादा है। देखा उदय सिंह जी कितनी विशाल सेना लेके आए हैं हम पर हमला करने हेतु। उदय सिंह जी कीजिए कीजिए, बूंदी पे हमला कीजिए। अरे आपके राजकोष और सुगंध वाली रानी को प्राप्त करने हेतु हम एक तो क्या तीन चार बूंदी को न्योछावर कर सकते हैं, हमारा सर्वस्व न्योछावर कर सकते हैं। रावत जी, हम मुगल सेना अध्यक्ष को संभालते हैं, उन्हें अवश्य पता होगा कि राव सुल्तान कहाँ है। आप बाकी की सेना को संभालिए। जी राणा जी। जल्दार हो! सिंह, तुम्हारे साथ दो दो हाथ करने का मुझे कब से इंतजार था, आज अल्लाह ने यह मुराद भी पूरी कर दी। आओ देखे सर, तुम्हारी शमशीर में कितनी धार है। यूसुफ खान, हमें तुमसे लड़ने में कोई रुचि नहीं है, तुम तो भाड़े के विदेशी सैनिक हो। हमें यह बता दो कि वो राव सुल्तान कहाँ है, हम तुम्हें यहाँ से चुपचाप जीवित जाने देंगे। तुम एक बात भूल रहे हो उदय सिंह, मैं सुल्तान सिंह के साथ हूँ, लेकिन सुल्तान सिंह नहीं हूँ मैं, हमेशा अपने दुश्मन को कड़ा मुकाबला दिया करता हूँ। लो संभालो। उदय सिंह तूफान, हम तुमसे अंतिम बार पूछ रहे हैं यूसुफ खान, बताओ कि राव सुल्तान कहाँ है। उदय सिंह, सुल्तान सिंह उतना बेवकूफ नहीं है जितना तुम उसे समझते हो। बहुत जल्द वो तुम पर उस जगह वार करने वाला है जिसका तुम कोई जवाब नहीं दे पाओगे, उसे बर्बाद कर देगा वो तुम्हें। यूसुफ खान, सज्जा जी, अब आपको जीजा को छोड़कर हमें अपना आदर्श मानना आरम्भ कर देना चाहिए। वो तो हम थे जिसे सही समय पर सही निर्णय ले लिया, संकट में घिरे राणा जी की सही समय पर सहायता हो गई। यदि जीजा की बात सुनते तो न जाने हमारे राणा जी किन संकटों में जूझ रहे होते। अच्छा हुआ जीजा जो हमने आपकी बात नहीं सुनी।
बैना, हमें तो लगता है आपको मेवाड़ के महल में ही रहना चाहिए था, क्योंकि जब से आपसे आपका महल छूटा है, आपकी बुद्धि लगता है ज्वरग्रस्त चल रही है। सच्चा बेना। धीरबाई जी, हमने भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना की है कि इस बार आपने जो हठपूर्वक करवा लिया है वो सुफल लाए, आप सही निकले। राणा जी कुशल हो, किंतु यदि आप गलत निकली तो बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा आपको धीरभाई जी। रानी सा, एक बहुत बड़ी सेना तीव्र गति से हमारी महलों की तरफ बढ़ती चली आ रही है। अवश्य राणा जी होंगे, ममलक जी की सहायता से युद्ध में विजय होके लौट रहे हैं। जाके मुख्य द्वार खोलने का आदेश दे दीजिए। भव्य स्वागत करेंगे हम राणा जी का। और जीजा, इस बार राणा जी का स्वागत हम ही करेंगे, क्योंकि हमारी बात का बार बार विरोध करके आपने राणा जी का स्वागत करने का नैतिक अधिकार खो दिया है। कहीं ऐसा ना हो जीजा कि हमारी बात का बार बार विरोध करके आपको मूल्य चुकाना पड़े। हे गिरधर गोपाल, राणा जी को स्वस्थ और सकुशल रखने और विजय श्री के साथ वापस लाने के लिए कोटि कोटि आभार। जब तुम जानते हो कि तुम एक कायर राजा के लिए लड़ रहे हो, तो फिर क्यों अपने प्राण देना चाहते हो? क्योंकि मैं सुल्तान सिंह के लिए नहीं, अपने बादशाह जलालुद्दीन और बैरम खान के लिए लड़ रहा हूँ, जो तुम्हारे पूरे राजपुताना को एक दिन खत्म कर देंगे। हाँ, खत्म कर देंगे। राजपुताने को खत्म करोगे? हाँ, वो भी तुम लोग? ये तो समय ही बताएगा। उठाने को खत्म करेंगे। रावण जी, विजय हमारी है। जय एकलिंग जी। बूंदी के सैनिकों, तुम्हारा राजा राव सूरतन बूंदी छोड़कर भाग चुका है। तुम्हारा भाड़े का विदेशी सेनाध्यक्ष ये यूसुफ खान मारा जा चुका है। चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो, तुम लोग युद्ध हार चुके हो। रावत जी, बूंदी की प्रजा को तत्काल एक शासक की आवश्यकता है। हमें हाड़ा सुरजन सिंह का राज्याभिषेक कर देना चाहिए, वही यहाँ की प्रजा के लिए सही और न्यायप्रिय शासक होंगे। आपका कहना उचित है राणा जी, और वैसे भी हाड़ा सुरजन सिंह जी कई वर्षों से बूंदी के कारागृह में बंदी रहे। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप पर संतुलन बनाए रखना ही हड्डा राजपूत की शान होती है। हम अभी तत्काल उन्हें मुक्त करवाते। कौन है वहां पे? चले जाओ यहां से और कह दो अपने अत्याचारी सुल्तान सिंह से इस जीवन में ये सर उसके सामने कभी नहीं झुकेगा। आज से बूंदी की समस्त प्रजा
आपके आगे ही अपना शीर झुकाएगी हाड़ा सुरजन सिंह जी। रावत जी, डुड्डा, पिताजी, पता है पिताजी, राणा जी ने अपनी सेना सहित आके उस राव सुल्तान को हवा के भगा दिया। आपकी प्रजा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। श्रृंगार में कोई भूल चुक हो गई हो तो तुरंत ठीक कर दो। हे भगवान, कितना नखरा। विजयोल्लास और आनंद का क्षण है अंसा, ऐसे नहीं कहते। हाड़ा सुरजन सिंह की जय। 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 महाराणा उदय सिंह जी, बूंदी को सुरतन सिंह के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए हम और हमारी प्रजा सदा ही आपकी आभारी रहेगी। हाड़ा जी, जब तक राव सुरतन सिंह जीवित है तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बदले लेने हमें उससे, बहुत बदले। अमरक जी आप यहाँ? राणा जी आप यहाँ? मामला जी, आप हमारी रानियों को बिचौलिया में अकेला छोड़कर आप बूंदी में क्या कर रहे हैं? आपने बुलाया था, संदेश भेजा था, हम तो अपनी पूरी सेना लेकर आपकी सहायता के लिए यहाँ हैं। क्या? हमने कौन सा संदेश भिजवाया था आपको? ये राव सुरतन का षड्यंत्र है, उसने आपको सेना सहित यहाँ बुलाया है ताकि वहाँ बिचौलिया में हमारी रानियाँ और मेवाड़ का राजकोष वो सुरक्षित रह जाए। राव सुरतन, क्या बात है जीजा, अब तो राणा जी की सेना इतनी पास आ चुकी है। ये हमारी सेना नहीं है धीर भाई जी, ये बूंदी का ध्वज है जी। मुख्य द्वार बंद करो। चलो चलो, मुख्य द्वार बंद। सुगंध वाली रानी, आप चाहे दुर्ग के मुख्य द्वार बंद करें या अपने मन के द्वार, हम तो हमारा कार्य करके जाएंगे। एक लिंगेश्वर नाथ जी, आप ही है जो हमारे कुल की मान मर्यादा की रक्षा कर सकते हैं। चाहे तो हमारे प्राण ले लीजिए, अंतु हमारे रानियों के मान सम्मान और मर्यादा पर आंच मत आने देना। गिरधर गोपाल, आज हमारे सामने फिर से वो घड़ी आ गई है जहां एक क्षत्राणी को अपने जीवन और गौरव दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। हमें शक्ति दीजिए प्रभु, हम आपके आशीर्वाद से अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने गौरव को बचा सकें। Thank you.
हे प्रभु, आज हम आपके सामने प्रण लेते हैं कि अब चाहे हमें अपने प्राण ही क्यों ना निछावर करने पड़ जाए, हम अपने लिए अपने मित्रों को मरने नहीं देंगे। हम प्रण लेते हैं प्रभु। हम जानते हैं आप सभी हमारे बिजोलिया किले के द्वारपाल और दुर्गरक्षक हैं, किंतु आप सभी में से अधिकांश के पास युद्ध का अनुभव भी नहीं है। किंतु यदि आपके पास अपने सम्मान और गौरव की रक्षा करने के लिए मर मिटने का साहस है, तो कोई भी सेना आपको पराजित नहीं कर सकेगी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सब सुरतन सिंह की सेना के साथ तब तक लोहा लेते रहेंगे जब तक राणा उदय सिंह और मामरक जी अपने सेना सहित वापस नहीं आते। हम पर विश्वास रखिए महारानी साहब, जब तक हम जीवित हैं राव सुरतन सिंह को किले के अंदर नहीं घुसने देंगे। जय राजपूताना। तो यह है आपकी सुरक्षा योजना, मुट्ठी भर द्वारपाल और दुर्ग रक्षक। इतनी बड़ी सेना के सामने बूंदी की विशाल सशस्त्र सेना ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, कब तक सामना करेंगे? नहीं संजय भाई जी, महारानी जी को बाल गोपाल की पूजा शांति से करने दीजिए। अब उन्हें उनके बाल गोपाल ही कोई मार्ग दिखा पाएंगे। हमें पता है कि इस किले में मुख्य सैनिक नहीं है। अधिक से अधिक छोटी मोटी टुकड़ी होगी यहाँ सुरक्षा हेतु। तो ये बात हमें कैसे पता चली, ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे घुमेरू जी, क्योंकि बिजोलिया की सेना तो राव मामरक जी के साथ उदय सिंह जी की सहायता करने गई है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये बिजोलिया के राजा राव मामरक नहीं, राव मामूर्ख है। बहरहाल निडर हो जाइए हमारे वीर सैनिकों, और निडर होकर दुर्ग के मुख्य द्वार को तोड़ दीजिए ताकि हम भीतर जा सके हमारी सुगंध वाली रानी के पास। जाइए। हुकुम, आप तो कह रहे थे कि यहाँ कोई सेना नहीं है, तो फिर हम पर ये तीरों की बौछार कौन कर रहा है भीतर से? हमारे पास दिव्य दृष्टि है, हम देख सके उस पार क्या चल रहा है। जहाँ आप खड़े हैं वही हम खड़े हैं, जो आपको दिख रहा है वही हम दिख रहे हैं, तो जो कि आपको लगेगा वो हमें नहीं लगना चाहिए। समझे आप? हमारी सुरक्षा कीजिए, पता कीजिए कि तीर कहाँ से आ रहे हैं। इनके तीर में वो गति नहीं जो हमारे सैनिकों को भेज सके। हम क्यों ऐसे डरे हुए हैं, झुके हुए क्यों हैं? भैरू जी, इसका अर्थ ये हुआ कि किले के भीतर एक भी नियमित सैनिक नहीं है। शेर से कौन बच पाएगा अभी? मार डालो सबको। अरे रे रे, लगता है इस बार तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें शेर का शिकार होने के लिए छोड़ दिया। बहराम खान, अपने लोगों के सामने अपने आप को शेर कहने से कोई शेर नहीं बन जाता। तुम कोई शेर नहीं, एक लोमड़ी और लोमड़ी जो अपने ही मार्ग में अपनी चालाकी और क्रूरता को वीरता मान के नाचते रहता है। तुम्हें क्या लगता है भैरम खान कि प्रताप तुम्हारी बातों में आकर या तुमसे लड़ने के लिए आएगा, वो भी अकेले?
ऐसा सोचना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है बैराम खान। प्रताप तुम्हारी ही चाल से तुम्हारा ऐसा शिकार करेगा कि तुम देखते रह जाओगे बैराम खान, देखते रह जाओगे। नहीं हमारे मित्र, हमें बैराम खान के सामने ना आने का संकेत तो नहीं दे रहे। इतनी लाते और जूते खा रहे हो फिर भी इतना गुमान, यानी हमारा ये खेल इनके लिए हल्का निकला। कोई बात नहीं, इनके साथ कोई दूसरा खेल, कोई बहुत बड़ा खेल खेल। बैराम खान इससे भी भयंकर खेल खेले, इससे पहले हमें हमारे मित्रों को बचाना होगा।